रात के करीब 12 बज रहे थे, जीजा अपनी साली को अपनी सास समझकर उसके बिस्तर पर लेट गया और फिर उसके साथ 61-62 वाला प्रोग्राम करने लगा। कुछ देर बाद जब जीजा को पता चला कि वो जिसके साथ अपना 61-62 वाला खेल खेल रहा है वो उसकी सराज नहीं है बल्कि उसकी शाली है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे, बस आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ASN क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों एक जीजा काफ़ी दिनों बाद अपने ससुराल गया हुआ था और जब वो अपने ससुराल पहुँचा तो उसकी सराज ने उसकी खूब खातिरदारी की, अच्छे से खाना बनाया और अच्छे से चाय पानी पिलाया और फिर उसके साथ बैठकर बातचीत करने लगी। दोस्तों जीजा भी कुछ ठरकी टाइप का इंसान था तो वो धीरे धीरे अपने सराज के साथ नैनो टक्का करने लगा और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। नंदोई और सराज का जब प्यार परवान चढ़ने लगा तो इन दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ गया कि दोनों के बीच नाजायज रिश्ते भी बनने लगे। दोस्तों अब आए दिन नंदोई अपने ससुराल चला जाया करता था और अपने सराज के साथ हर एक दिन क्रिकेट मैच खेलता था। लेकिन एक दिन की बात है दोस्तों, नंदोई ससुराल गया हुआ था, रात के करीब 12 बज रहे थे और उसकी साली उसके सराज के बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब आधी रात हो गया तो नंदोई अपने बिस्तर से उठा और सीधे अपने सराज के कमरे में पहुंच गया जहां पर उसकी साली लेटी हुई थी और फिर वो उसके बिस्तर पर लेटकर उसके साथ 61-62 वाला प्रोग्राम करने लगा। काफ़ी देर तक जीजा अपनी साली के साथ 61-62 वाला प्रोग्राम चलाता रहा लेकिन साली भी कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन कुछ देर बाद एक ऐसा समय आया जब अचानक साली की चीख निकल गई तो जीजा को पता हो गया कि आज मैं जिसके साथ 61-62 कर रहा हूँ वो मेरी सराज नहीं कोई और है। उसके बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल का लाइट जलाया तो उसने देखा कि वो जिसके साथ ये प्रोग्राम चला रहा था वो उसकी सराज नहीं बल्कि उसकी साली थी। उसके बाद दोस्तों साली ने अपने जीजा से कहा कि जीजा जी जब इतना सब कुछ हो गया है तो क्यों ना हम लोग एक और T20 मैच खेल लें। दोस्तों साली के मुंह से इतनी बात सुनने के बाद जीजा फिर से बैटिंग करने के लिए तैयार हो गया और उस रात उसने अपनी साली को अच्छे से क्रिकेट खिलाया। इसी तरह से दोस्तों जीजा अपनी सराज और अपनी साली दोनों के साथ क्रिकेट मैच खेलने लगा। लेकिन एक दिन की बात है दोस्तों, रात के करीब 10 बज रहे थे जब जीजा अपनी सराज के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा था तब साली ने इन दोनों को देखा और फिर वो आग बबूला हो गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका जीजा अब उसकी भाभी के साथ क्रिकेट मैच खेले। दोस्तों इतना देखने के बाद साली गुस्से से लाल हो गई और फिर उसने घर में रखे एक लोहे के राड को उठाया और फिर अचानक अपनी भाभी के ऊपर जाकर सर पे वार कर दिया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई और फिर उसने अपने जीजा से कहा कि हम और तुम यहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों जीजा ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि तुमने अपने भाभी की हत्या कर दिया है। जब जीजा ने मना कर दिया तो साली ने उसी रात से जीजा के ऊपर भी वार कर दिया जिससे जीजा की भी मौके पर भी मौत हो गई और फिर साली रात को ही फरार हो गई। उसके बाद दोस्तों पुलिस ने आगे की कार्रवाई की और पोस्टमार्टम करवा कर लाश को परिवार वालों को सौंप दिया और फिर साली की तलाश की जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो का बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग अपनी अंतरात्मा पे ध्यान दें और ऐसे अपराधी मानसिकता रखने से दूरी बनाएं, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, सावधान रहें, सतर्क रहें और लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।